दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में इस वक्त बहुत कुछ घट रहा है। दो फाड़ हो चुकी है बीजेपी में, अपने ही अंतर द्वंद्व से जूझ रही है बीजेपी। घर में कलेश है और कलेश ऐसा है कि दो घर के बंटवारे पूरी तरह साफ दिखाई देने लगे हैं। अब ऐसे में अपोजिशन से भी पूरी चुटकी ली जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खुलकर सामने आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एक घर की छत में अगर कलेश होने लगे तो ये मानकर चलिए कि घर में रहने वाले ही लोगों के बीच में कोई बड़ी राजनीति हो रही है, यानी कि इस पार्टी के अंदर ही तमाम तरह के जो अलग अलग लोग हैं दिल्ली में और लखनऊ में बैठे हुए, वो दो गुटों में बढ़ चुके हैं। ये जो दो गुट है, इसमें कौन आने वाले वक्त में ज्यादा भारी पड़ने वाला है, ये समझने की बात है। आपने एक वीडियो देखा होगा चुनाव के परिणाम के ठीक बाद में, जिसके अंदर ये बताया गया था कि कैसे अमित शाह ने दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश का खेल खराब कर दिया। और ये बात बीजेपी के ही नेता जो हैं उज्ज्वल मिश्रा, उन्होंने कही थी उनके एक वीडियो में जो वायरल हुआ। अब उज्ज्वल मिश्रा एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे या फिर योगी आदित्यनाथ के साथ होने वाले बड़े षड्यंत्र की भनक उन्हें लग चुकी थी। उज्ज्वल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं से ही समझते हैं कि आज की तारीख में, कुछ दिन पहले हमारी आपसे बात हो रही थी, आप ये जान रहे थे ये सामने आने लगी हैं। आपको क्या लगता है कि अब जो हो रहा है उसमें चर्चाएं साफ हैं कि अमित शाह कैंप से जुड़े हुए जो बड़े मंत्री हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनका साफ कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो है जल्दी उनकी छुट्टी होगी। ये बात वो कैमरे पे भले ही ना कह रहे हो, लेकिन चर्चाएं खूब जोर शोर से है। अब ये चर्चाएं कई बार उठ चुकी हैं, लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। अधिकारियों का भी इल्जाम लगा दिया कि योगी आदित्यनाथ के राज में अधिकारी जो हैं वो विधायकों से पांव छूने के लिए बोलते हैं, गृह विभाग और साथ में सूचना विभाग, इसकी भी कंप्लेन की जा चुकी है। और ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट और फेवरेट हैं योगी आदित्यनाथ के। देखिए, पहले तो न्यूज नशा को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और विनीता जी आपको प्रणाम। ऐसा हम लोग तो ये चीज बहुत पहले से जानते थे। आपको आपने अभी जिक्र किया कि चुनाव के बाद मैंने कहा था, अगर आप थोड़ा और गहराई में जाएंगी और थोड़ा टीवी के चैनल्स खंगाल लेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि ये चीज मैंने घोसी उपचुनाव से पहले कही थी। घोसी उपचुनाव अक्टूबर 2023 में था और उससे पूर्व में मैंने ये सारी चीजें कही थी कि ये समस्याएं होने वाली हैं। देखिए, लड़ाई नहीं है ये, लड़ाई वर्चस्व की है। वर्चस्व की लड़ाई है। अमित शाह जी का अपना वर्चस्व है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं भारतीय जनता पार्टी में। घोसी चुनाव के वक्त में ही कह दी थी, हालांकि आपका वीडियो जो है वो ज्यादातर लोगों के सामने चुनाव के परिणामों के बाद आया, लेकिन अगर आपने बात तभी कह दी थी, यानी कि आप ये भाप चुके थे कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में अच्छी खासी खाई बन चुकी है, अब ये खाई की पाट जो है वो सबके सामने आ चुकी है। आज की तारीख में जो तस्वीर जिसकी बात आपने की थी, अक्सर लोग इस बारे में चर्चा करते नहीं है, करते हैं तो गुपचुप करते हैं, कैमरे पे नहीं बोलते हैं, आपने कैमरे पर बोला था, तो आज की तारीख में देखिए, मैं जानना चाह रही हूं आगे आपको क्या दिख रहा है। विनीता जी देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छे से बताता हूँ, ये सीधी वर्चस्व की लड़ाई है। अमित शाह जी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को कब्जित करके रखना चाहते हैं। वो अपने तरीके से गोटियां सेट करके रखे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष मेरा रहेगा, संगठन में प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री रहेगा जो यस सर वाला हो, जो मुझे यस सर कहे, और इन सारी चीजों पे हर जगह तो उनकी चीजें सही चल रही थी, वो सबको कब्जा भी कर ले रहे थे और सबको अपने अंडर भी रख ले रहे थे, पर उनको रबर स्टैंप जो है वह योगी जी नहीं मिले। बाकी सब जगह उनको रबर स्टैंप मिले, बट योगी इज नॉट अमित शाह रबर स्टैंप। योगी जी रबर स्टैंप बनने के लिए तैयार नहीं थे। और आज जो लड़ाई हो रही है वो ज्यादातर वर्चस्व की लड़ाई है। कार्यकर्ता चिल्लाते चिल्लाते मर गया कि भारतीय जनता पार्टी में जो अमित शाह की चालें हैं और जो आपसी मतभेद है, इसकी वजह से भाजपा टूट रही है, टूट रही है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लोकसभा में जब इनको बुरा रिजल्ट मिला है और जब इन्होंने एनडीए नीतीश और नायडू
नीतीश नायडू गठबंधन अलायंस जो है, नीतीश नायडू अलायंस पे जब इन्होंने अपना गठबंधन तैयार करके रखा हुआ है, क्या मतलब है एनडीए का? एनडीए का मतलब है नीतीश नायडू गठबंधन, बीजेपी का तो गवर्नमेंट है नहीं ना। गठबंधन पर तो जाएंगे उज्जवल, मैं उससे पहले चिट्ठी दिखा रही हूँ, ये जो लेटर है, ये जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं सोनम किन्नर, उन्होंने अपना जो इस्तीफा इससे दे दिया है पद से, उन्होंने इल्जाम लगाया है इसमें कि भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी बहुत ज्यादा हो गई है। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति चल रही है, कि वो कह रहे हैं कि अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के तो बात यही हो गई है ना, इसका मतलब कि इस वक्त में योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। ये घेरबंदी तो तभी होगी ना, आप कह रहे हैं वो रबर स्टैंप नहीं है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि योगी आदित्यनाथ ने वाकई अपनी मनमानी बहुत चलाई है जिसके चलते ये सब हो रहा है। दिल्ली के ठीक है, मैं मानता हूँ मैडम, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। एक अमित शाह के गैंग के एक लीडर मऊ जिले से हैं, उनका नाम है अरविंद कुमार शर्मा। आप मऊ जिले में देखिए इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, हर आदमी तो उसमें तो योगी जी कहीं सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार से अमित शाह जी के गैंग के भी बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्हें शायद कहीं ना कहीं ये दर्द है कि उनको यहाँ से पैसा कलेक्ट करके जो केंद्र में भेजना चाहिए वो नहीं भेज पा रहे हैं, शायद उस पर योगी जी ग्रहण बनकर बैठे हों। उनको जो बंदर बांट पूरी तरीके से करनी है, जो बाकी राज्यों से उनका कलेक्शन हो रहा है अमित शाह जी का, वो उत्तर प्रदेश से नहीं हो पा रहा है, उसका दर्द है अमित शाह को। कलेक्शन, हाँ भाई, अब प्रदेश प्रदेशों से कलेक्शन कुछ ना कुछ जा रहा होगा, अब वो कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, योगी जी उस पर कब्जा, योगी जी उस पर ग्राण बन गए हैं। योगी जी कलेक्शन अपने, देखिए अभी आपने देखा होगा गुजरातियों के टेंडर और गुजराती ठेकेदारों को योगी जी ने ब्लैकलिस्ट किया है बनारस से, और तो ये जितने लोग थे अलग सत्ता बना रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी में, मतलब दिल्ली में नहीं, जो सत्ता वो नहीं बना रहे हैं, वो आपके वो सही चल रहे हैं उनसे अलग हटकर, तो सही बात है ना भाई। एक तरफ जो गुजराती लोग हैं, जो मतलब स्पेशली मैं दो लोगों को में से एक लोगों को लड़ाई कह रहे हैं आप, गुजराती नॉन गुजराती फाइट शुरू हो गई है कह रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पे लड़ाई है गुजरात वर्सेज उत्तर प्रदेश की। मैं आपको सीधी शब्दों में एक बात बताता हूँ, दो लॉबी है, यूपी लॉबी और उत्तर प्रदेश लॉबी। उत्तर प्रदेश लॉबी गुजरात लॉबी को पसंद नहीं कर रही है, और यही कारण है कि ये टकराव हो रहा है। योगी आदित्यनाथ वर्सेज अमित शाह कह रहे हैं आप, या योगी आदित्यनाथ वर्सेज पीएम मोदी कह रहे हैं? क्योंकि आप लोग अंदर काम कर रहे हैं, आप लोग को ज्यादा जानकारी नहीं। पीएम मोदी जी से कोई अभी है? आप अभी बीजेपी में है? हाँ अभी भी हूँ मैं, अमित शाह वर्सेज योगी जी है बने में। और आपको ये नहीं बोला कोई नहीं, कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है वह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अमित शाह हो या कोई भी हो, वह अभी कार्यकर्ता है। नहीं, हटा दिया जाता है तो सारे कार्यकर्ता हट जाएंगे ना, किसको किसको हटाइएगा? कार्यकर्ताओं के साथ जो बदतमीजियां हुई है तो सारे कार्यकर्ता हट जाएंगे, कार्यकर्ता हटेंगे ही। अभी हम लोगों ने कार्यकर्ता क्या कर सकता है वह निरंतर दिखाते हुए आ रहा है, आगे आने वाले समय में और दिखाएगा। योगी आदित्यनाथ के हक में आप इतना लड़ रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं खुल करके बिना डरे, तो उनका फोन वोन आया आपको कि भाई हाँ थोड़ी और बात सामने रख दीजिए, सही लाइन पे जा रहे हो? नहीं, अच्छे और सच्चे आदमी का फोन नहीं भी आए तो उसका समर्थन करना चाहिए, फोन ही सब कुछ नहीं होता है। अच्छे और सच्चे आदमी का वो नहीं भी आए तो भी समर्थन करना चाहिए, और मैं एज अ भारतीय जनता पार्टी अच्छे हैं तो अभी तो उनकी आलोचना हो रही है जमकर, जो उन्होंने अभी कावड़ियों वाले मामले, ठीक है वो तो अमित शाह जी का सब मैंने बताया ना, अमित शाह जी की एक लॉबी है जो उत्तर प्रदेश में भी है, जो किसी ना किसी को लॉलीपॉप दे के रखे हैं कि तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे, तुमको डिप्टी सीएम बना देंगे, तुमको कैबिनेट में ले आएंगे, तो सारे लॉलीपॉप के चक्कर में दिल्ली दिल्ली घूम रहे हैं, लेकिन वो वहां घूमने से कुछ होगा नहीं। तो मतलब ये कि ये एक बात बताइए उज्जवल आप मुझे कि उत्तर प्रदेश में हर कार्यकर्ता नेता अधिकारी अब ये समझ चुका है कि योगी आदित्यनाथ की लॉबी के लोग कौन हैं और अमित शाह की लॉबी के लोग उत्तर प्रदेश में कौन है, ये क्लियर हो चुका है? ऑलमोस्ट पहले से ही क्लियर है, पहले से ही क्लियर है।
लड़ाई पुरानी चल रही है, बस खुलकर अब सामने आ रही है। नहीं सीधी देखिए मैडम, हाँ जो योगी जी का समर्थक है ना, वो अनर्गल बात करने जाता ही नहीं है अधिकारियों के पास। वो जनता के जनहित की बात करेगा तो वो कार्य होते भी हैं। ऐसा क्या काम कराते हैं दिल्ली? नहीं होते हैं। हाँ जी दिल्ली वालों को बहुत काम है। गुजरातियों को ठेका दिलवाना है बनारस में, अयोध्या में, यहाँ वहां उसको कमर्शियलाइज कराना है, वोटे बंद करवा के वोट बंद करवानी है, उसके बाद वहां पे गुजरात का जहाज उतारना है, ये सब काम करते हैं। वहां से अंबानी का परिवार चला जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ये सारा ढकोसला जो है वह खुल के इसलिए हो रहा है, हर जगह के मंदिरों को डेवलपमेंट किया जा रहा है। अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए, पर वहां पे एक प्रकार का बिजनेस खोजा जा रहा है जिसको सिर्फ गुजराती कर सके। ठेका गुजराती करे, वहां पे जो दुकानदार हो वो गुजराती हो, या तो जो दुकानें बिकी है वो किसी गुजराती द्वारा खरीदी जाए। ये सारा चीज करने के लिए ये सब ड्रामा किया जाता है। और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो योगी जैसे कि क्या उत्तर प्रदेश के में मतलब महाराष्ट्र वाले बाल ठाकरे की पोजीशन लिए बैठे हैं? नहीं, योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं और योगी जी बाला साहेब ठाकरे वाली पोजीशन की बात नहीं है, वो पहले से, यानी जब अमित शाह और मोदी जी का नाम पूरा भारत नहीं जानता था, तब से वह गोरखपुर में बैठकर उत्तर प्रदेश में उसी भूमिका में थे, पहले से ही उसी भूमिका में थे। हालांकि अभी भी लगातार जिस तरह से बड़े बड़े टेंडर्स दिए जा रहे हैं, इसकी आलोचना अभी भी चल रही है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के लोग जो हैं वो अमित शाह के लोग की पोल खोल रहे हैं, और अमित शाह के लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के लोग की पोल खोल रहे हैं। ये एक अलग तरह की लड़ाई इस वक्त बीजेपी गुट, ऐसा नहीं है सत्य और गलत की लड़ाई है, जिसमें सत्य सत्य जो है वो बढ़ चढ़ कर बोल रहा है और गलत लोग पीठ पीछे से वार कर रहे हैं, उनको बोलने के लिए शब्द नहीं उनके पास। अच्छा, मतलब आप ये, आपको लग रहा है कि आप तो योगी आदित्यनाथ के फेवर में बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो अभी कुछ वक्त तक बने रहेंगे या इनको मतलब हटा देंगे ये लोग? उनको हटाना संभव ही नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया गया तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। अच्छा, मतलब बीजेपी आप लोगों और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।